नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप है बिहारी न्यूज के साथ। और हमारा चैनल आपके लिए लेकर के आया एक नया सेगमेंट, कौन बनेगा सांसद। बिहार के 38 जिलों के 40 लोकसभा क्षेत्र से हम आपके लिए हर एक वो जानकारी लाए हैं जो आप जानना चाहते हैं। और अभी हम बात करेंगे नवादा जिले के बारे में, नवादा जिले से कौन बनेगा सांसद, इसके इतिहास और वर्तमान, साथ ही साथ राजनीति से लेकर और वो सब कुछ जो आप जानना चाहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, नवादा जिला बिहार जिला का बिहार का एक खूबसूरत शहर है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए हैं। खुरी नदी के उत्तर में जो आबादी बसी है उसे प्राचीन आबादी कहा गया। यह बाद में अपभ्रंश के रूप में नवादा के रूप में जाना जाने लगा। नवादा को एलियट मार्केट बाजार के नाम से भी जाना जाता था। 26 जनवरी 1973 को मगध प्रमंडल के गया जिले से अलग होकर नवादा एक स्वतंत्र जिला बना। खुरी नदी और NH 31 इस जिले की जीवन रेखा है। नवादा के उत्तर में नालंदा, दक्षिण में झारखंड कोडरमा जिला, पूर्व में शेखपुरा व जमुई के पश्चिम में गया स्थित है। नवादा में नवादा शहर व रजौली दो अनुमंडल है। इस जिले में 14 प्रखंड हैं। नवादा संसदीय क्षेत्र के दायरे में। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से दक्षिण पूर्व में 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में और यहाँ की वर्तमान और पहले की राजनीति के बारे में। नवादा 2014 में चुनाव जीतकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह सांसद बने। नवादा सीट का राजनीतिक इतिहास और वर्तमान सियासी तस्वीर काफ़ी रोचक है। भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है। नवादा संसदीय क्षेत्र के वोटरों का इतिहास ऐसा रहा है, यहाँ किसी भी उम्मीदवार को दोबारा एक बार से ज़्यादा मौका नहीं देता है। अब तक के 16 लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक उम्मीदवार कुंवर राम, जिनको कि यहाँ की जनता ने दोबारा मौका दिया था। कुंवर राम नवादा से 1980 और 1984 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा गए थे। अब हम बात करेंगे नवादा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी और RJD के बीच मुकाबला कांटे का रहता है। पिछले कई चुनावों से यहाँ के मतदाता बीजेपी और RJD को एक एक मौका देते रहे हैं। आज़ादी के बाद इस सीट पर 5 बार कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। इसके बाद 1989 और 91 के चुनाव में यहाँ से CPM उम्मीदवार की जीत दर्ज हुई। 1996 के चुनाव में यहाँ बीजेपी ने जीत का खाता खोला। इसके बाद 1998 में RJD उम्मीदवार की जीत हुई। 1999 में नवादा सीट से बीजेपी के संजय पासवान जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 में फिर RJD को नवादा की जनता ने जीत का मौका दिया। 2009 के चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर भोला सिंह को नवादा से मौका दिया। उन्होंने LJP की बीना देवी को हरा करके इस सीट पर कब्जा किया। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने गिरिराज सिंह को यहां से उतारा। मोदी लहर में गिरिराज सिंह ने RJD के राजबल्लम प्रसाद यादव को करारी शिकस्त दी। बाहुबली सूरज भान ने 2009 में यहां से चुनाव लड़ा था। उनकी पत्नी बीना देवी भी यहां से चुनाव लड़ चुकी है। 2014 में बीना देवी लोजपा के टिकट पर मुंगेर से जीतकर सांसद बनी। नवादा सीट का समीकरण के बारे में अब हम बात करेंगे। नवादा संसदीय क्षेत्र के वोटरों की कुल संख्या कितनी है और महिला पुरुष मतदाता के बारे में जानेंगे। 13,97,512 यहाँ वोट की कुल संख्या है, जिसमें 6,52,177 महिला मतदाता है और पुरुष मतदाता 7,45,335 पुरुष मतदाता हैं। 2014 के चुनाव में गिरिराज सिंह बाहरी उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने RJD के बाहुबली नेता राजबल्लम प्रसाद को शिकस्त दी। अब राजबल्लम प्रसाद को रेप के केस में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। महागठबंधन के लिए यहां भूमिहार वोटों में बिखराव और मुस्लिम यादव वोटों के समीकरण से कुछ उम्मीद बन सकती है। अब विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में हम बात करेंगे। नवादा संसदीय क्षेत्र से विधानसभा की 6 सीटें आती है, बरबीघा, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर और वारसलीगंज। इनमें से रजौली सुरक्षित सीट है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसमें से 2-2 सीटें कांग्रेस, RJD और बीजेपी के खाते में गई।
अब हम बात करेंगे 2014 के जनादेश के बारे में। 16वीं लोकसभा के लिए 2014 में हुए चुनाव में नवादा सीट से बीजेपी के गिरिराज से जीते थे, उन्होंने आरजेडी के राजबल्लम यादव को हराया था। गिरिराज सिंह 3,90,248 वोटों के साथ विजयी रहे थे। वहीं राजबल्लम यादव को 2,50,091 वोट हासिल हुए थे। इसके साथ ही अब चुनावी समर में 13 उम्मीदवार शेष रह गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से इस बार एनडीए के उम्मीदवार चंदन कुमार हैं और महागठबंधन के तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विभा देवी हैं और बाकी 13 लोगों में यहाँ के मतदाता को अपना सांसद चुनना है। हाल यहाँ नॉमिनेशन किया जा चुका है और 11 अप्रैल को पहले चरण में यहाँ वोटिंग होने वाली है। अब आगे देखिए जनता यहाँ क्या फैसला करती है और कौन फिर से बनता है यहाँ का सांसद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।